हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि सुबह सुबह का टाइम है और बकरी का काम खलास करने के बाद, हमारा काम खजूर में रहता है और बकरी का काम खलास करने के बाद नाश्ता वास्ता करके वो भाई चले जाते हैं बकरी में, जो कि दोपहर में आएंगे। दोपहर में जब तक हम खाना वाना बनाएंगे, बना वना के खा वो के रेडी रहेंगे, फिर वो आएंगे बकरी में से। फिर आधा घंटा आराम करने के बाद हम खुद भी बकरी में शाम के टाइम चले जाते हैं, जो कि दोपहर बाद से। तो खैर, दो आदमी हैं अभी, आप लोग को मालूम है, और मेरा काम ज़्यादातर करके खजूर में रहता है। और खजूर अभी निकलने वाला है, जो कि कुछ तो बंझा जो है, जो मेल है, वो निकल रहा है। इक्का दुक्का निकल भी रहा है, एक वीडियो में भी डाले थे। और एक सुदानी भाई है, उसका फीमेल भी निकल चुका है। तो एक निकला था तो काट के दिया, वो उसके में मेल नहीं है, जो कि 300 पेड़ खजूर का उसका है और मेल एक भी नहीं है। तो उसको दिया, एक लेके गया है, उधर बांधेगा बंधेगा। और एक निकला था जो कि न देखा, मैं देखने नहीं पाया, तो उसके लिए वो थोड़ा फल लेने के जैसा हो चुका था, तो उसको काट के मैं गिरा दिया। और ज़्यादा दिन हो गया गिराए भी, मेरे ख्याल से 5-7 दिन 10 दिन हो चुका है। अभी दिखाएंगे उसको भी ले आके। तो दोस्तों, ऐसा है कि आप लोग को मालूम होगा कि खजूर कितना फायदा करता है। अगर दो खजूर रोज़ मिले, और यह देखें ये हाथ जो है 10 दिन हो गया जो कि खजूर का काम करने में ही कटा है, और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इस पर पट्टी वट्टी बांध, उनके कपड़ा उपड़ा बांधने के बाद काम कर रहे हैं, ताकि भाई मक्खियों की अगर पड़ेगी इस पर तो मालूम है ख़राब हो जाएगा हाथ, इसके लिए थोड़ा बांध देता हूँ। हालांकि हो गया चुका है ठीक, थोड़ा बहुत बाकी अभी है, काम अब कर रहा है हल्का थोड़ा हटा के। तो दोस्तों, ऐसा है कि खजूर जो है, दो खजूर रोज़ मिल जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा रहता है खजूर, जो कि हर चीज़ इसमें रहता है, विटामिन और क्या क्या बोलते हैं, जो कि सब कुछ रहता है। और दो खजूर खाने से सुबह सुबह बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। और हम लोग का तो मान लो कि काम है भाई, हम लोग काम करते रहते हैं, जो कि रखे भी रहते हैं खाने के लिए और खाते भी रहते हैं। अगर खलास हो गया बाई चांस तो कपिल से बोलने पे लेके आता है पैकेट वाला खजूर, जो कि खाते भी हैं। और यहाँ का काम तो जानते ही हैं दोस्तों कि खजूर का काम कैसा होता है। खजूर में काम बरहमास रहता है, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। और कोई भाई अगर खजूर के लाइन में आए तो इतना समझ के चले भाई, खजूर का काम बकरी से भी काम खराब है समझ के चले, मेरे ख्याल से है। बाकी आप लोग की मर्जी भाई, हम क्या बताएं, हर आदमी का हिसाब किताब अलग होता है। हम तो यही जानते हैं कि बकरी बल्कि इससे अच्छा होता है, इस पे ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, कम से कम एक साल में 2500 बार, कम बता रहा हूँ, 2500 बार उतरना चढ़ना पड़ता है। और आगे वीडियो में हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी क्या क्या करना पड़ता है। बस अब तक क्या है दोस्तों कि अभी खजूर का जो हेल्परी लाइन है, ये सब बेकार है काम है, और ढांखा होता है, यहाँ के भाषा में जरीद बोलते हैं, वो भी काट रहे हैं और कांटा भी काट रहे हैं। ये दोनों काटने के बाद अब, क्योंकि दोस्तों हल्का फुल्का समझ के चले कि गर्म यहाँ पे होने लग रहा है दिन में, और गर्म जब पाता है खजूर का पेड़ तभी समझ के चलें कि वो फूफा निकलता है। अभी ठंडा आ जाए तो रुक जाता है उतने पे, जितना पे निकला रहता है। तो अभी चालू हो गया है निकलना, इसके लिए हम भाई काम तो कर रहे हैं और दोनों साथों साथ कर रहे हैं। एक कांटा काटना, जो कि आपको दिखाएंगे कांटा भी कितना बड़ा बड़ा रहता है, और जरीद जो ढंखा है वो भी काट रहे हैं। बशर्ते बहुत सारा काम रहता है, आइए बैक कैमरा से सब आप लोग को दिखा देते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। और हमारा भी 100 पेड़ के करीब में खजूर है, जो कि बंझा, हमारे में मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। और जिस भाई का काम लगता है, यहाँ से लेके जाते हैं लोग, अपना बांधना पड़ता है उसमें खजूर, लंबा लंबा होने के लिए बांधना पड़ता है, मेल को फीमेल में बांधना पड़ेगा, जो कि आगे हम वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे जब निकलना चालू हो जाएगा। तो बाकी अब हम अपने चैनल में डाले भी हैं और देख भी सकते हैं। तो आइए बैक कैमरा में आप लोग को दिखाते हैं।
तो दोस्तों यह देखें, यही हम काटे हुए हैं जो कि काट काट के नीचे गिरा चुके हैं, और यही सीढ़ी है। ऐसे सीढ़ी, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लेके लगा के चढ़ना पड़ता है, जो कि उठता भी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उठता भी नहीं है, और जो हमारे साथ में रहते हैं उनसे तो हिलेगा भी नहीं, उठना तो दूर की बात है, बशर्ते ठीक है। और यह देखें, काट चुका हूँ मैं, और ये भी लेके चलना पड़ता है एक झोला बना के कंधा में टांग के, जो कि आप देख सकते हैं इसमें काट उठ के नीचे आ गया हूँ। ये पेड़ का काट चुका हूँ और काट के नीचे आ गया हूँ। तो यही कांटा है जो कि बहुत बचा के निकालना, काटना पड़ता है दोस्तों, और काट के ऐसे ही भरना पड़ता है। ये देखें, इतना बड़ा बड़ा कांटा, कम से कम एक एक बित्ता तक का कांटा है, चार अंगूर से लेके एक बित्ता तक का कांटा रहता है, और इसी को काटना पड़ता है भाई। तो सऊदी अरब में खेती मजरा के लाइन में आने वाले भाई इतना समझ लें कि मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है, और इतना समझ के आए कोई भी भाई आए, तो बशर्ते क्या है कि यह देखें, यही मेल जो है निकल चुका था, दो तीन पेड़ निकल कंछी निकल चुका था, जो कि काट के दे चुके हैं हम, और एक काट के गिरा चुके हैं। इधर देखें, यह देखें भाई, यह काट के निकाल चुके हैं। तो भाई यही है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना। कपिल का फोन आ रहा है, थोड़ा उसको भी देख लें। जय हिंद, जय भारत, दुआ में याद रखना।